हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मुझे बाबू को छोड़ के कहीं जाना पड़ा है, बहुत ज़रूरी था, तो वरना मैं बाबू कभी छोड़ के नहीं जाती। तो देखिए आगे ब्लॉग में, आखिर मैं बाबू को छोड़ के कहाँ जा रही हूँ मैं और यशी। तो फ्रेंड्स पूरा ब्लॉग देखिएगा, एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ मैं यशी को, बाबू को यशी के पापा के साथ छोड़ रही हूँ। और फ्रेंड्स फाइनली हम लोग वापस भी आ गए हैं जा कर के। तो हम लोग गए थे मंदिर, और मंदिर जाना था मुझे आज दिया जलाने के लिए, तो मंदिर में दर्शन करने गए थे हम, तो इसलिए हमें बाबू को छोड़ के जाना पड़ा था। बस यही एक रीज़न था हमारा जो हमें छोड़ के जाना पड़ गया बाबू को, क्योंकि बाबू जो था वो उसको लेके नहीं जा सकते थे हम, इसलिए मैं और यशी सिर्फ गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए। और अब मैं दर्शन करके आ चुकी हूँ, और ये देखिए यशी यहाँ पे, बाबू अभी जाग रहा है और जाग रहा था, तो इसके साथ आगे मैंने खेलना शुरू कर दिया। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग देखने के लिए। और ये देख रहे हैं आप पूरा बेडरूम पर कैसे कपड़े कपड़े फैले हुए हैं, जो कि मुझे समेटने पड़े सोने से पहले, सारे कपड़े तहाने पड़े। यशी के जो कुछ कपड़े थे जो छोटे हो गए थे उन्हें मुझे हटाना था अलग, और जो कपड़े अभी इसके पहने रहे थे उनको अलग करना था। और यशी देखिए यहाँ पे अपने बाबू को खिला रही हैं, और अभी सब जग रहे हैं, उनके पापा सो गए हैं, बस बाकी दोनों मेरे बच्चे जग रहे हैं। तो अभी मुझे रात में ये पूरे कपड़े समेटने के बाद ही सोना है, ये मेरा आज का टास्क है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज का मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए, और ऐसे ही छोटे छोटे और अच्छे अच्छे ब्लॉग देखते आपको डेली मिलते रहेंगे 10 बजे मॉर्निंग में। तो आप लोग मेरा ब्लॉग ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।